हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन एफिलिएट के बारे में। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको लाइव अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने कितने पैसे बनाए हैं अमेजॉन एफिलिएट से। साथ ही साथ बात करते हैं अगर फ्लिपकार्ट की और अदर एफिलिएट साइट्स की, तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अमेजॉन की एफिलिएट साइट पर। ऑफिशियल साइट है ये अमेजॉन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं लिंक पे। तो ये रही अमेजॉन की एसोसिएट आईडी, जिसे हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि अर्न अप टू 12% एडवर्टाइजिंग फीस विद द ट्रस्टेड ई कॉमर्स लीडर। तो आप लगभग 12% तक कमीशन पा सकते हैं एक ऑर्डर पे, अगर कोई आपकी लिंक से बाई करता है। ज्वाइन फ्री फॉर फ्री है यहाँ पे, और आप लॉगिन भी कर सकते हैं। ये सब कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। सिंपली आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। आप सिंपली अपने अमेजॉन के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। तो हम चलिए लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, कीप मी साइन इन एंड लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। आप यहां से अपना अकाउंट भी स्विच कर सकते हैं। तो लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं मैं, और अब वेट करता हूं ओपन होने का। वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कि एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे अगर यूएस के पर्सन हैं तो यस, नहीं तो नो, और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सिंपली जो जो कहे उसे फिल कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके वेबसाइट या मोबाइल ऐप के बारे में ये जानना चाहता है कि आप लिंक को कहाँ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, lootonline.in। मेरे पास कोई ऐप नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पे कुछ प्रोफाइल डिटेल्स हमें भरनी है, जैसे कि हमें कौन सी एसोसिएट स्टोर आईडी चाहिए। कुछ भी रैंडमली आप डाल सकते हैं, ये खुद जनरेट करके आपको एक यूनिक आईडी दे देगा। तो यहाँ पे हमें अपने ऐप के बारे में या वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, जो कि हम चलो कर देते हैं। ये किस टाइप की साइट है, तो ऑनलाइन डील्स एंड शॉपिंग। और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी में आप कुछ भी भर दीजिए, जैसे कि मैं कंप्यूटर पर क्लिक कर देता हूँ, और सेकेंडरी टॉपिक में भी कुछ क्लिक कर देता हूँ, ग्रोसरी। यहाँ पे आप कुछ भी आप रैंडमली भर सकते हैं कि आप वेबसाइट पर क्या दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ कूपन एंड डील टाइप। फिर यहाँ पे आते हैं कि ट्रैफिक कैसे आता है आपकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम भर देते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड शॉपिंग पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कैसे इनकम जनरेट करते हैं, तो मैंने अमेजॉन एसोसिएट भर दिया यहाँ पे, और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर देते हैं सेकेंड में। ऐसे ऐसे आपको फिलअप कर देना है, ट्रैफिक कितना आता है, तो मैं 5000 से 50000 कर देता हूँ मंथली, और ये सब आपको सिंपली देख के भर देना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे रिकैप्चा फिलअप करने के बाद हम एग्री पर क्लिक करेंगे। तो वेट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको एग्री पर क्लिक करना है और फिनिश कर देना है। आप चाहें तो इनके टर्म्स पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ेंगे। फिर भी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि व्हाट्सएप पर डील नहीं शेयर करनी है, उसके बाद आप फेसबुक ट्विटर पर इनकी डील्स शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट या ब्लॉग पर शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करनी है। और ये देखिए, यहाँ पर हम फिनिश पर क्लिक करते हैं। फिनिश करने के बाद ये देखिए, हमको एक यूनिक आईडी मिल गई है, और इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो हम इसे अभी फिलअप करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस तरह पेमेंट लेना चाहेंगे। अगर आप
NEFT से लेना चाहेंगे तो मिनिमम 1,000 होना चाहिए, और ये लोग डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं लास्ट के महीने के लास्ट में आपके सीधे अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम और IFSC कोड वगैरह। अभी मैं इसे स्किप करता हूँ और ये देखिए, ये कुछ आपका इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, और ये लोग कह रहे हैं 15 तारीख से पहले अगर आप पे कर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं तभी ये लोग पे करेंगे उस महीने की। तो ठीक है, अभी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम फिलअप कर देंगे। ये कुछ ऑप्शन हैं काम के, जैसे कि पासवर्ड चेंज वगैरह वगैरह के। अब यहाँ पे हम चलते हैं कुछ काम की चीज़ों पे। अभी हम होम पे हैं, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लिंकिंग पर आपको प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, बैनर मिल जाएंगे, लिंक टू एनी पेज मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट लिंक्स पे तो आप यहाँ से कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज फिलअप करनी है और आप सिंपली सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पे लैपटॉप लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं रैंडमली। जैसे चलिए मैं लैपटॉप सर्च कर लेता हूँ। लैपटॉप सर्च करने के बाद गो पर जाते हैं और अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जिसको आपको जिसकी लिंक बनानी है। आप उसे सिंपली गेट लिंक पर क्लिक करके लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेट लिंक पर क्लिक किया, ये देखिए ये फुल लिंक है। अगर आप चाहें तो शॉर्टन लिंक भी ले सकते हैं यहाँ से। मैंने शॉर्टन लिंक पर क्लिक किया तो ये देखिए लिंक शॉर्ट हो गई। अब इसे आप शेयर कर सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं जिससे आपको अर्निंग होगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगा अपनी अर्निंग्स के बारे में। वैसे मैं पार्ट टाइम करता था इसलिए ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, पर आप अगर काम करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं इससे। तो ये थी डिटेल्स। अब आपको चेक करना है कि अगर आपका टैग काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए टैग इज इक्वल, जो मेरी यूनिक आईडी थी वही यहाँ पे है, तो ये काम कर रहा है। यही मेन होता है, अगर ये टैग नहीं रहेगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। इसी से पहचान होती है कि प्रोडक्ट आपके लिंक से बाई किया गया है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो ये देखिए जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टैग इज इक्वल MD0107 है, मतलब कि ये सही है। अगर कोई इस लिंक से लैपटॉप बाई करेगा तो इसे इस पर मुझे कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट का लिंक बना सकते हैं। और अगर आपको दूसरा मेथड भी है तो चलिए देखते हैं, चलते हैं amazon.in पर और वहाँ से कैसे लिंक बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो आप जैसे ही amazon.in पर जाएंगे आपको ऊपर एक स्ट्रिप दिखने लगेगी जैसे ही आप इनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं किसी भी प्रोडक्ट का लिंक बना के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसी शर्ट का बना देते हैं लिंक। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करके लिंक बना सकते हैं। और बात करें अगर अर्निंग्स की, तो आप ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे आप अपनी अर्निंग्स भी देख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी सिंपली। यहाँ पे आप फुल लिंक भी क्लिक कर सकते हैं और शॉर्ट लिंक भी ले सकते हैं। और अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज के साथ, जैसे कि आपको वेबसाइट में लगानी है तो वो भी मिल जाएगी। सिंपली आपको इमेज वाले पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब आपको इमेज के साथ साथ लिंक मिल जाएगी। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट प्लस इमेज दोनों आ जाएगी, मुझे नहीं चाहिए ये। और अब चलते हैं अर्निंग्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आप पर डे की अर्निंग या फिर कैटेगरी वाइज अर्निंग देख सकते हैं, महीने की अर्निंग। तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अर्निंग्स के बारे में और लास्ट तक वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप महीने में लगभग 25,000 से 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप थोड़ा और मेहनत करते हैं तो अच्छी खासे पैसे बना सकते हैं, लगभग 50,000 से 60,000 महीने, वो भी सिर्फ अमेज़ॉन से। इसी तरह आप फ्लिपकार्ट और पेटीएम वगैरह वगैरह पर काम कर सकते हैं,
उस पर भी काफ़ी पैसे मिलते हैं। फ्लिपकार्ट भी एक बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ टूडे पे तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कई कैटेगरीज हैं, आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी दूसरी आईडी पर जिसमें मैंने अर्निंग की है। तो अर्निंग पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने पैसे बनाए हैं, वो भी सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके 15 से 20 मिनट पर डे लगभग। तो लॉगिन कर लेते हैं अपनी आईडी पर और ओपन करते हैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैं इसको कुछ ज़्यादा करता नहीं हूँ, बस एक आध लिंक शेयर कर देता हूँ कभी कभार। तो आप देख रहे हैं एक दिन की अर्निंग 256 रुपये है और उससे कम कम भी है, क्योंकि इस टाइम मैं कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस पर। तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको 30 तारीख को महीने की लास्ट में पेमेंट होता है और ये देखिए 6527 रुपये, 1450, 1043 और 7000, ऐसे ऐसे साढ़े लगभग 5000 रुपये उसके नीचे। ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारी अर्निंग हुई है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, पेटीएम से, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। अनपेड बैलेंस में 992 रुपये है। तो ये बेसिकली काम इस प्रकार करता है कि जैसे कि आप इस महीने की अर्निंग आपकी हो गई कुछ भी, तो वो आपको अगले महीने की लास्ट तारीख में आपके अनपेड में आएगा और उसके बाद अगले महीने में पे हो जाएगा। तो ये लोग एक महीने रुक के देते हैं फॉर रिटर्न, जैसे कोई प्रोडक्ट रिटर्न हुआ या फिर रिप्लेस हुआ तो उसके पैसे ये लोग काट लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।